आज हम बात करेंगे वन प्लस बर्ड्स 3 के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में। इनको यूज करते हुए मेरे को करीब 5 से 6 महीने हो चुके हैं एंड काफी बार मैंने इसको एज माई पर्सनल डिवाइस भी यूज किया है। लॉन्चिंग प्राइस 5,500 रुपए था बट आपको 4,500 रुपीज में ये फोन मिल रहे थे। ड्यूरिंग सेल कई बार सेम बजट पे आप इसको ले सकते हैं, मीन अंडर 5,000 रुपीज, बट नॉर्मली जो प्राइस रहता है 5,500 रुपए इनका प्राइस आपको देखने मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी और जब आप इन ईयरफोन्स को देखेंगे, यूज करेंगे, फील करेंगे, आपको काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वन प्लस ने अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है, ये चीज इनके प्रीमियम ईयरफोन्स के साथ भी आपको देखने वाले हैं, जो कि इनसे ऑलमोस्ट डबल आपको कॉस्ट करेंगे। नाउ बिल्ड फैक्टर काफी अच्छा है, सेम गोज विद ईयरफोन्स। अगर मैं इनको सबसे कंफर्टेबल ईयरफोन्स बोलूं अंडर 5,000 रुपीज, तो मैं कहीं से भी रो नहीं हूंगा, क्योंकि आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। कंफर्ट वाइज नो प्रॉब्लम एंड ये IP55 रेटेड है, जो कि इनको डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट बनाता है, तो माइल्ड स्प्लैश से लेके थोड़ा हैवी स्प्लैश इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इवन दो आफ्टर लॉन्ग टर्म केस पे मेरे को इतना स्क्रैच देखने के लिए नहीं मिला, हाउएवर मैं इसके साथ इसका एक्सटर्नल केस यूज करता था। आप भी ट्राई आउट कर सकते हैं, मार्केट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मूविंग टू कनेक्टिविटी 5.3 आपको मिलता है विद डुअल पेयरिंग एंड एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है। हे मेलोडी iOS एंड्रॉइड दोनों के साथ ही कंपेटेबल है। इवन दो आप एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज करें, एक iOS यूज करें या फिर विंडोज यूज करें, तो डिवाइस के बीच में जो स्विच है वो यहाँ पे काफी साइमल्टेनियस होता है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कब आपके डिवाइस ने शिफ्ट किया एक से दूसरे डिवाइस में। कनेक्टिविटी काफी एडवांस एंड रिलायबल पार्ट है इस प्रोडक्ट का। एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उस पे बेनिफिट ही मिलेगा। आप ANC को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप म्यूजिक को कस्टमाइज कर सकते हैं, कपल ऑफ अदर थिंग्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग गोल्डन साउंड, जो कि अंडररेटेड फीचर है। आप गोल्डन साउंड को यूज करके अपने ईयरफोन्स को अपने ईयर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि बेस्ट आउटपुट देने में आपको हेल्प करेगा। उसके साथ स्पीच ऑडियो, ड्यूल पेयरिंग कनेक्टिविटी, गेम मोड एंड कपल ऑफ अदर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। म्यूजिक स्ट्रॉन्ग पार्ट है प्रोडक्ट का। डुअल ड्राइवर आपको मिलते हैं 10.5 mm प्लस 6 mm यहाँ पे ट्विटर रहने वाले हैं। LHDC 5.0 आपको मिलता है, हाई रेज का सपोर्ट आपको मिलता है, मतलब जो म्यूजिक प्रोफाइल है वो काफी रिच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। बट ओवरऑल जो म्यूजिक आउटपुट की बात है, ये मोस्ट ऑफ द म्यूजिक लाइक 90-95% म्यूजिक हैंडल कर लेते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी स्ट्रगल। बट आप जहाँ पे मोर ऑन इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक ज्यादा है, मेन आर्टिस्ट की वॉइस थोड़ी कम है, तो उस टाइप के म्यूजिक पे ये स्ट्रगल करते हैं, जो वॉइस है ये फ्लैट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडियन म्यूजिक आप सुन रहे हैं तो आपके लिए कोई भी ईयरफोन्स अंडर 2,000 अंडर 1,000 रुपीज भी ठीक रहेंगे। बट या अगर आप थोड़ा हाई एंड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, क्वालिटी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, वहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। एंड मैंने कल भी बताया था अंडर 5,000 रुपीज बेस्ट ईयरफोन्स में JBL जो ईयरफोन्स है वो बेटर म्यूजिक हैंडल करता है। इवन दो सिंगल ड्राइवर है, स्मॉल ड्राइवर साइज है, बट म्यूजिक आउटपुट को प्रोसेस वो थोड़ा सा बेटर करता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग ठीक है एंड अगर इसको मैं रेट करना चाहूँ बजट के अकॉर्डिंग, मैं इसको समवेयर अराउंड 8-8.5 रेट कर सकता हूँ। एंड म्यूजिक क्वालिटी उतनी खराब नहीं है। टच कंट्रोल में मेरे को सबसे मजेदार पार्ट लगता है यहाँ पे स्लाइड एंड मूव का, मतलब आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग ऑन योर ईयरफोन, जो कि एक अच्छा फीचर। हाउएवर बाकी टच कंट्रोल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आप डिफॉल्ट वाले यूज करना चाहते हैं या फिर कस्टम। गेम मोड पे 94 ms लिखा है बट एक्चुअली जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो जो रिजल्ट है 40-50 ms के बीच में आपको मिलने हैं, क्योंकि जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे टॉप नोट मिलता है। टॉप क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस वन प्लस यहाँ पे आपको डिलीवर करता है, मतलब गेमिंग काफी मजेदार होने वाली है। सेम गोज विद वीडियोज, अगर आप वीडियो देखते हैं तो भाई वीडियो में लिपसिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी सिंक्रोनाइज आपको मिलती, मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, जो रिजल्ट है वो काफी सेटिस्फाइंग है। 49 dB के एक्सटर्नल कैंसिलेशन यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो कि मैंने टेस्ट किया डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो भाई बैकग्राउंड नॉइज जो होती है ना वो ये कैंसिल आउट करता है, बट अगर आप नॉइज के बिल्कुल सामने खड़े हैं तो वो उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। जो कैंसिल आउट की परसेंटेज है 80-90% है, मतलब काफी बड़ा मार्जिन काफी नॉइज को ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, उतने कैपेबिलिटी आपको मिलती है। एंड ANC में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप स्मार्ट यूज कर सकते हैं, मैक्स एंड मॉडरेट भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कौन सी ANC यूज करना चाहते हैं। बट अगर आप जाते हैं एम्बियंट मोड के साथ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलते। ANC काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस प्रोडक्ट का। नाउ 44 आवर का बैटरी बैकअप वन प्लस यहाँ पे क्लेम जरूर करता है, बट अगर आप उसको रियल टाइम में टेस्ट करने जाएंगे, मैंने मैक्सिमम इनको 4-4.5 घंटे यूज किया है एंड उसमें लाइक बैटरी परसेंटेज नियरली 10
20% के बीच में बचा था, एंड जो फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है आप एंस यूज कर रहे हैं बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, आप मैक्स वॉल्यूम यूज कर रहे हैं बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, गेम मोड में बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो इस टाइप से जो फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये लाइक मैक्स 5 आवर बैटरी वगैरह आपको डिलीवर कर देता है अगर मैक्स बेस्ट पे यूज करते हैं, वैसे मॉडरेट यूजर्स के हिसाब से आपको 6 to 7 आवर के बीच में बैटरी बैकअप देखने मिलता है जो कि अच्छा है। एंड ओवरऑल केस के साथ आप बैटरी बैकअप जो है वो समवेयर अराउंड 35 आवर यहाँ पे मान सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलती, आपको नॉर्मल 5 वोल्ट का चार्जर यूज करना पड़ेगा इनको चार्ज करने के लिए। जो टाइम है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में लगता है, अगर आप फास्ट चार्जर यूज करते हैं थोड़ा बेटर आपको मिल जाएगा रिजल्ट, स्लो चार्जर में वही है 1.5 घंटे ही लेगा, बट रिकमेंडेड है 5 वोल्ट ही यूज कीजिए। अगर आप 10, 20 या 30 वोल्ट का चार्जर यूज करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा, बैटरी ड्रेनेज जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ माइक्रोफोन को लेके वन प्लस के ईयरफोन्स में कोई स्ट्रगल नहीं आपको देखने मिलता, मैंने इनको मेट्रो में टेस्ट किया है, कैब में टेस्ट किया है, मतलब नॉइस एनवायरमेंट में भी जो माइक है वो आपको HD क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं एंड आप इनको आउटडोर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो माइक्रोफोन काफी अच्छे मिलते हैं। तो मैंने प्रीवियस रिजल्ट यहाँ पे इंक्लूड किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वन प्लस बड्स 3 फाइनली हमारे पास आज के गाइस, एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ ईयरबड्स के लेके, बिकॉज यार जो प्रीमियम वन प्लस की सीरीज रही है ईयरबड्स की, तो जैसा लुक डिजाइन यहाँ पे दिया है काफी इंप्रेसिव ये ईयरबड्स है, लुक डिजाइन के साथ बिल्कुल ऑसम ओल्ड गुड यहाँ पे मेरे को मिला। एंड ये है इसका माइक्रोफोन टेस्ट, अगर आप आउटडोर में इसको टेस्ट करना चाहते हैं परफॉर्मेंस ये है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की सारे डिटेल हमने चेकआउट कर लिया, कैसे एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं इसको अभी के लिए 5,000 के अंदर भी लेता हूँ 4,500 में, मेरे पास ऑप्शन है रियलमी के A6 Pro में ले सकता हूँ, ओप्पो के 3 Pro A3 Pro ले सकता हूँ, एंड सासा JBL के 235NC 45 भी आ रहे हैं अभी, ये तीनों ही ईयरफोन इनसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। तो भाई यहाँ पे जो एडवांटेज है बिल्ट को लेके, इनकी ईयर फिटिंग को लेके, एनसी को लेके है जरूर, बट म्यूजिक एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बेस्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वन प्लस स्ट्रगल कर रहा है इन ऑडियो सेगमेंट। एंड आप ट्रैवल कर सकते हैं फोन 4,500 के अंदर, अच्छे फोन से प्रीमियम लुकिंग आपको मिलते हैं। तो वीडियो कैसे लगी वो कमेंट करके बता सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।